अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंस गए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको संकट मोचन हनुमान जी की कैसी पूजा और उपासना करनी चाहिए, अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अपने परिवार की संपत्ति या कारोबार में बंटवारे को लेकर अगर विवाद चल रहा है या आप किसी कानूनी मामले में फंस गए हैं, तो लगातार 9 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जा करके बजरंग बाण का पाठ करें, हलवा पूरी का प्रसाद भूखे लोगों को खिलाएं। अगर बिना दोष के आप कानूनी विवाद में फंस गए हैं, तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करें। जितने दिनों तक पाठ करें, उतने दिन किसी भी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। और आपको एक बात बताऊं, अगर छोटी मोटी समस्या है तो ये उपाय काम कर जाएगा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसमें बेल आपकी रिजेक्ट हो रही है, आप जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मुकदमे में आपकी हार तय है और आप निरपराध हैं, ये शर्त पहली होनी चाहिए, तो आपको लांगूल स्त्रोत का पाठ करवाना चाहिए। लांगूल स्त्रोत का अगर 1100 पाठ हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं असंभव से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन लांगूल स्त्रोत 100 में से 95 पंडित पढ़ ही नहीं पाएंगे। जिसने वेद पढ़ा होगा वही लांगूल स्त्रोत, शत्रुंजय लांगूल स्त्रोत वही पढ़ पाएगा जिसने वेद पढ़ा होगा। जिसने वेद नहीं पढ़ा होगा, जो केवल सामान्य पंडिताई कर रहा होगा, वो लांगूल स्त्रोत के शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएगा। इसके लिए विद्वान काशी में बहुत आराम से मिल जाते हैं, वहाँ वैदिक विद्वान काफ़ी संख्या में हैं, और बाकी लोग तो आजीविका चलाने के लिए वो विद्या जानते हैं जिससे पैसा मिले। ज्ञान की बात काशी में आपको मिलेगी, वहाँ लांगूल स्त्रोत पढ़ने वाले अच्छे अच्छे विद्वान हैं। अगर कारोबार में आप पर कोई झूठा आरोप लग गया है, तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाइए। हनुमान जी सब प्रकार से आपके रक्षक बन जाएंगे। लांगूल स्त्रोत बहुत बड़ी बात है भैया, लांगूल स्त्रोत का पाठ होने के बाद कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है, ये कलिकाल में बहुत बड़ी बात है। जय माँ विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।